वक्त शिव हमारे साथ है। शिव प्लीज बताइए क्या आउटफिट है और बहुत ही प्यारा एक्सेसरी मैं देख सकती हूँ। ये मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये आउटफिट मैं अभी घर से एक रिहर्सल किया, एक इवेंट का दूसरा रिहर्सल किया, पूरा पसीने से भरा था, गाड़ी में कपड़े चेंज किए, पैन लिए, शूज लिया, ये लिया, हाँ, तो ये सब जुगाड़ करके जो होता है ना कि अभी जाना भी है, मैंने हाँ बोला था, तो रिहर्सल करके अपने कार में चेंज किया सब और तब जाके यहाँ पे पहुँचो। तो होता है ना घर पे प्रॉपर कोई मेकअप करता है वैसे वाला, मेरा जुगाड़ हुआ है, अभी काम चल रहा है और इवेंट भी अटेंड करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो ऐसे में शिव किस तरह से देखते हैं इस साल को, बहुत ही अमेजिंग रहा है फैंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी और आने वाले साल के लिए क्या रेजोल्यूशन। सच्चे दिल से कहूँ कि ये पूरा ईयर मेरा लाइफ चेंज कर दिया है पूरी तरह, एक कॉमन मैन से स्टार का सफ़र इस साल ने दिया है मुझे प्रॉपर जो होता है। कभी कभी आपको फेम मिल जाती, पैसे नहीं मिलते, आपको वो वाली चीज़ें नहीं मिलती जो आप करना चाहते हो, तो ये साल में मैंने वो चीज़ें अचीव की है ऊपर वाले की दुआ से और लोगों की दुआ से, तो मैं खुश हूँ और होपफुली आगे अच्छे अच्छे काम आ रहे हैं। अभी ऑफर है, मैं काम कर भी रहा हूँ और नई नई चीज़ें, नए डोर ओपन भी हुए, तो होपफुली अगला साल भी अच्छा जाएगा। और जो मेहनत करता है तो मैंने सुना है कि उसके डोर बंद नहीं होते, खुलते रहते हैं, तो होपफुली खुलेंगे, अगले साल भी नई नई चीज़ें आएगी। इस साल बहुत सारे हुक स्टेप्स आए हैं, आपका फेवरेट हुक स्टेप कौन सा रहा है वो हो जाए, क्योंकि अभी तो झलक भी कर रहे हैं इस साल के बहुत सारे हुक स्टेप। मेरा हुक स्टेप देखो, गाना कोई भी चले, म्यूजिक कैसा भी हो, हमारा तो यही चलता है जो दिल से निकलता है। और तो ये ना हम लोग ना देसी लोग हैं, हमारे को बीट से लेना देना नहीं होता, हम ऑफ बीट डांसर हैं और हम प्राउडली कहेंगे कि आप गाना कुछ भी चलाओ, स्टेप तो हमें वही करनी है। शिव क्या लगता है, इतने प्यारे डांसर हैं आप और लोग पसंद भी कर रहे हैं, झलक में कितने दूर का सफ़र हो सकता है? देखो कहाँ तक होगा पता नहीं, मैं हर दिन मज़े कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और लोग बहुत ऐसे टेंशन में रहते हैं और मैं उस दिन मतलब ठीक है ना कर लेंगे ना यार, मतलब ऐसे नहीं कि मेहनत नहीं करते, मेहनत करते पर कोई भी चीज़ों को हद से ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं चढ़ने देता हूँ, मज़े करते हैं तब जाके वो शो का मज़ा आता है। तो फिर वो जो बोलते हैं पापा तू रिहर्सल करता है, जाता है और एकदम ब्लेजर पहन के मैं उधर जाता हूँ कि हाय वो सब लोग ठीक है, फिर चेंज करके अपना हुडी पहन लिया, सैंडो पहन लिया और रिहर्सल कर लिया। उनसे कहते को टेंशन नहीं आता क्या, मतलब भाई टेंशन लेके क्या मिलेगा, पेंशन थोड़ी मिलेगी। हेलो नमस्ते, राम राम, मैं हूँ आपका शिव ठाकरे और गुड न्यूज़ टुडे के सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सबके सपने पूरे हो, गणपति बापा मोरे, थैंक यू। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।